हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और फिर से मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा वीडियो लाया हूँ आपके आने वाले एग्ज़ाम उत्तराखंड समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी, चाहे वो 2022 में हो या मुझे बोलना पड़ेगा कि शायद 2023 में हो शायद। तो आज का जो छोटा सा टॉपिक है, जैसे कि आप हेडिंग देख रहे होंगे, वो है आपके क्या उत्तराखंड में वनों के प्रकार यानी टाइप ऑफ फॉरेस्ट फाउंड इन उत्तराखंड। हमारे उत्तराखंड में कितने प्रकार के वन जो हैं वो पाए जाते हैं, कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ध्यान रखना, इस टॉपिक से लगभग आपके एक या कई बार दो क्वेश्चन आ जाते हैं। अब यहाँ पर जो एक आपका FSI है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जो हर दो साल में अपनी रिपोर्ट पब्लिश करता है कि किन स्टेटों में सबसे ज़्यादा वन है, किन स्टेटों में सबसे ज़्यादा वन कम हुए हैं, या उत्तराखंड वाइज स्टेट वाइज जब करता है कि किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है, किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे कम फॉरेस्ट है, वो वाला जो पार्ट है वो इसके अंदर नहीं आता है, वो हम लोग अलग से पढ़ते हैं। जब हम बकायदा हेडिंग डाल के पढ़ते हैं कि FSI रिपोर्ट ऑफ उत्तराखंड, ठीक है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट उत्तराखंड। और अभी जो है लेटेस्ट रिपोर्ट आ चुकी है FSI की, 2021 की आ चुकी है, तो वो रिपोर्ट जो है वो हम लोग अलग से करेंगे। चलिए उत्तराखंड में वनों के प्रकार को समझते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट की अगर हम बात करें तो बहुत अलग अलग से क्लासिफिकेशन किताबों में दिए गए हैं। एक दो जो सबसे पॉपुलर क्लासिफिकेशन है, एक आपका क्लासिफिकेशन जो है वो आपका क्या कहते हैं, चैंपियन एंड सेठ। ये दो आपके कह सकते हो बॉटनिस्ट थे, चैंपियन एंड सेठ, इन्होंने 1968 में ये क्लासिफिकेशन दिया था, ठीक है। इसी को आधार बनाते हुए काफ़ी क्लासिफिकेशन जो है वो आगे चल के कई लोगों ने दिए हैं। तो हम जो एक क्लासिफिकेशन आज ले रहे हैं फॉरेस्ट का, कि भाई उत्तराखंड में किस प्रकार के वन मिलते हैं, वो एक स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन ले रहे हैं जो अधिकतर किताबों में दिया गया है। यहाँ तक मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब अगर हम देखें क्लासिफिकेशन की बात, तो हमारे यहाँ जो टाइप ऑफ फॉरेस्ट बताए गए हैं, सबसे पहला हिंदी वालों के लिए है क्या, कटिबंधीय वन, जिसको हम लोग बोलते हैं सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। एक तो हमारे उत्तराखंड में ये मिलता है। दूसरा जो हमारे यहाँ मिलता है वो है उष्ण कटिबंधीय शुष्क, यानी कि ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट हमारे यहाँ मिलते हैं, ठीक है। तो पहला हो गया सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, दूसरा हो गया ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट, तीसरा जो हमारे यहाँ मिलते हैं उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन, यानी कि ट्रॉपिकल वेट ऑटनम फॉरेस्ट हमारे यहाँ मिलते हैं। तो ये हमारा पहला प्रकार का वन हो गया, ये हमारा दूसरा प्रकार का वन हो गया, ये हमारे तीसरे प्रकार के वन हो गए जो हमारे यहाँ मिलते हैं। चौथे हमारे यहाँ मिलते हैं कौन से, कोनीफीरस फॉरेस्ट, ठीक है। पाँचवें जो हमारे यहाँ फॉरेस्ट मिलते हैं वो है माउंटेन या माउंटेन, कई बुक्स में लिखा है टेम्परेट फॉरेस्ट। सिक्स्थ जो हमारे यहाँ फॉरेस्ट मिलते हैं वो है सब एल्पाइन फॉरेस्ट। और सेवन्थ हमारे यहाँ जो फॉरेस्ट मिलते हैं वो है एल्पाइन श्रब्स या ग्रासलैंड मिलते हैं। और एट्थ जो हमारे यहाँ टाइप ऑफ फॉरेस्ट है वो है हमारे यहाँ क्या, टुंड्रा वेजिटेशन, ठीक है। तो ये आठ अलग अलग प्रकार के आप कह सकते हो फॉरेस्ट और आखिरी के दो वेजिटेशन जो है हमारे उत्तराखंड में मिलते हैं। अब यहाँ से इसको शुरू करने से पहले एक चीज़ और आपको समझनी पड़ेगी कि हमारे जो उत्तराखंड है उसका जो ज्योग्राफिकल डिवीजन है वो किस तरीके से किया गया है, तो उसको, क्योंकि उसी के आधार पर आपको अलग अलग टाइप के क्या मिलेंगे, फिर फॉरेस्ट मिलना शुरू होंगे और थोड़ा सा समझ में आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से आएगा। तो उसके लिए हम लोग बच्चों नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने ये क्या रखे हैं, आपके जो हिमालयन का डिवीजन है कैसा, नॉर्थ से साउथ, ठीक है। तो कितने हैं देख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये आठ डिवीजन जो कर रखे हैं वो नॉर्थ से शुरू करते हुए साउथ की तरफ है, ऐसे करके, ठीक है। आपको इमेजिन करना है नॉर्थ से साउथ की तरफ। कई किताबों में जो डिवीजन है हमारे उत्तराखंड के जो फिजियोलॉजिकल डिवीजन है वो खाली आपके चार कर रखे हैं, ठीक है। कईयों में सिर्फ चार में ही डिवाइड किया है कई बुक्स में, और ये जो मैं क्लासिफिकेशन आपके सामने रख रहा हूँ इसमें आठ में डिवाइड किया गया है। तो वो जो चार डिवीजन है वो इस आठ के अंदर ही अभी आप लोग देखेंगे, फिर हम लोग ये फॉरेस्ट का जो मेन फीचर है वो समझना शुरू करेंगे। देखो सबसे पहले जो नॉर्थ में है, इधर की तरफ मैप की तरफ देखेंगे, यहाँ पर जो है मैं यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो जो वन है आपका वो यहाँ पे माना गया है, ठीक है। इस इलाके में इसको बोला गया है ट्रांस हिमालय, ठीक है। इसको क्या माना गया है, ट्रांस हिमालय माना गया है। लेकिन बच्चों यहाँ पे देख ध्यान रखना, कई बुक्स में इसको जस्कार रेंज को भी के तरह भी ट्रीट किया गया, तो उसको भी हम लोग जो कंफ्यूजन है आने वाले लेक्चरों में उसको दूर कर लेंगे।
लेकिन आपको इमेजिन करना है एक जो सिंपल वे में हम पहले समझते हैं, सबसे पहला क्या हो गया, ट्रांस हिमालय हो गया। उसके बाद जो दूसरा आपका पार्ट है, सेकंड, ये सेकंड कर देता हूँ, ये आपका क्या हो गया, उच्च हिमालय हो गया, जिसको हम लोग कई बार इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेटर हिमालय, ठीक है, या इसी को हम लोग उच्च हिमालय को क्या बोलते हैं, ग्रेटर हिमालय बोलते हैं, या इसी को हिमाद्री बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद और नीचे आप आओगे तो ये जो इलाका है आपका, थोड़ा सा लाइन ऊपर नीचे हो सकती है, थर्ड आपका इलाका जो है वो बताया गया है क्या, मध्य हिमालय, या कई बुक्स में लिखा हुआ है इसके लिए लेसर हिमालय, ठीक है। उसके बाद सीधे जो है वो आउटर हिमालय बताया गया है, जिसको हम लोग शिवालिक हिमालय बोलते हैं, पर इस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो है फिर आपका जो शुरू होगा वो फोर्थ शुरू होगा, दून हिमालय, फिर उसके बाद आपका बताया गया है क्या, शिवालिक हिमालय, और फिर उसके बाद भाबर, तराई और गंगा के प्लेन, ठीक है। यहाँ से भाबर, फिर उसके बाद तराई, और फिर भाई गंगा के प्लेन शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो हमारे उत्तराखंड में जो ये फॉरेस्ट का आप सामने क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट, ये अलग अलग ट्रांस हिमालय में कुछ फॉरेस्ट मिलेंगे, कुछ आपके हाई ग्रेटर हिमालय में मिलेंगे, कुछ लेसर हिमालय में मिलेंगे, कुछ शिवालिक हिमालय में, खासतौर पर चार हिमालय को हमको फॉलोअप करना है। उम्मीद है आप लोग को यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब इस लेक्चर में जो मेन चीज़ मैं बस कवर अप कर रहा हूँ वो ये है कि जो सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं इनका एल्टीट्यूड, ये किस ऊंचाई पे मिलते हैं, तो अगर आपको वो याद हो गया कि ग्रेटर हिमालय की ऊंचाई क्या होती है, ट्रांस हिमालय की ऊंचाई क्या होती है, लेसर हिमालय की ऊंचाई क्या होती है, तो आप बहुत आराम से इसकी जो लोकेशन है इस फॉरेस्ट की वो आप आपस में क्या कर लोगे, लिंकअप कर लोगे। तो देखो सबसे पहला जो ये सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसकी जो हाइट होती है ये 750 मीटर, या कई बार कई बुक्स में लिखा हुआ है कि 1200 मीटर तक की हाइट में मिलते हैं। अब आपको इसको लिंकअप करना है कि ये जो अभी हमने डिवीजन किए हिमालय अपने उत्तराखंड के, फिजियोलॉजिकल डिवीजन कौन से, ट्रांस, ग्रेटर, लेसर, दून, ऐसे करके, तो आपको इमेजिन करना है कि किसकी हाइट इनमें से आपकी 750 या 1200 मीटर है, क्या वो ग्रेटर की हाइट होती है या लेसर की हाइट होती है, शिवालिक की हाइट होती है, तो वहाँ पे आपको कैसे जो वन है या जो फॉरेस्ट है कैसे मिलेंगे, सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मिलेंगे। फिर अगर हम दूसरा देखें ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट, ठीक है, ये फॉरेस्ट जो है लगभग 1500 मीटर तक मिलते हैं, उससे ऊपर नहीं मिलेंगे, 1500 मीटर या उससे नीचे मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड फॉरेस्ट है आपका ट्रॉपिकल वेट ऑटनम फॉरेस्ट, ठीक है, ट्रॉपिकल वेट ऑटनम फॉरेस्ट, ये जो आपको मिलेंगे वो मिलेंगे लगभग 1500 मीटर, ठीक है, 1500 मीटर की ऊंचाई तक मिलेंगे, ठीक। ये देखो दोनों में फर्क क्या हो गया, ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट 1500 मीटर से नीचे, ट्रॉपिकल वेट ऑटनम फॉरेस्ट 1500 या थोड़ा सा इससे ऊंचे मिलेंगे आपको। फिर आपका ये आता है कोनीफेरस फॉरेस्ट, इसकी जो ऊंचाई बताई गई है वो बताई गई है 900 मीटर से लेकर आपका 1800 मीटर तक, ठीक है, 1800 मीटर तक। फिर उसके बाद ये माउंटेन या माउंटेन टेम्परेस जो फॉरेस्ट होते हैं इनकी जो ऊंचाई होती है कहाँ से कहाँ तक मिलते हैं पहाड़ों में, 1800 मीटर से लेकर आपका 2700 कहाँ मीटर तक, ठीक है। उसके बाद जो ये आपके सब एल्पाइन फॉरेस्ट होते हैं ये लगभग 2700 मीटर से ऊपर ही ऊपर मिलते हैं, या तो 2700 मीटर में 2700 मीटर पे मिलेंगे या 2700 मीटर से ऊपर मिलेंगे बच्चों। तो आप थोड़ा सा इमेजिन कर पा रहे होगे अब हम लोग कैसे ये जो फॉरेस्ट हैं सब ट्रॉपिकल से जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ते आ रहे हैं, सब ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल वेट ऑटम, तो असल में हम नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। यानी कि यहाँ पर क्या होगा अगर हम देखें तो यहाँ पर होगा सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, उसके बाद क्या होंगे ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट, उसके बाद क्या होंगे ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन वेट ऑटनम फॉरेस्ट, इस तरीके। फिर आपके ये एल्पाइन या जो एल्पाइन श्रब्स या ग्रासलैंड जो होते हैं ये आपको कहाँ मिलेंगे, ये आपको मिलेंगे 3000 मीटर से लेकर 3600 मीटर, यानी कि आप कह सकते हो कि ये इस इलाके में आपको मिलेंगे, ठीक है, जहाँ मैं ये ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर आपको। और सबसे ऊपर जो मिलेंगे यानी कि बिल्कुल तिब्बत के आसपास कह सकते हो आप, या ट्रांस हिमालय के आसपास कह सकते हो, टुंड्रा वेजिटेशन या टुंड्रा टाइप ऑफ फॉरेस्ट जो है ये लगभग 3600 मीटर से लेकर 4800 मीटर के आसपास मिलेंगे। तो इतना बच्चों मुझे उम्मीद है समझने के बाद अब आप बड़ी आसानी से इसको, इसका जो लोकेशन है वो आप लोग समझ पा रहे होंगे,
कि सब ट्रॉपिकल कहाँ पर है, फिर ट्रॉपिकल कहाँ पर है। अगर मैं थोड़ा सा उसको हटा दूँ, जैसे सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कहाँ पर है, फिर उसके बाद ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट कहाँ पर है, फिर उसके बाद ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन, फिर उसके बाद कोनीफीरस, ठीक है, फिर उसके बाद सब एल्पाइन फॉरेस्ट हो गए, फिर एल्पाइन श्रब्स हो गए और टुंड्रा हो गए। यानी कि हम नीचे से ऊपर, यानी साउथ से नॉर्थ की तरफ, आप कह सकते हो इधर साउथ हो गया, यहाँ से नॉर्थ की तरफ इन फॉरेस्ट को लगा। और यही बच्चों आपके एमसीक्यू जो क्वेश्चन है, चाहे पीसीएस में आप अपर लोअर या आरओआर का एग्जाम देने जाएंगे, तो यही आपसे क्वेश्चन या तो एग्जैक्ट लोकेशन, आसपास की लोकेशन पूछ लेते हैं, या उनकी हाइट पूछ लेते हैं। अब इसमें जो बचा है वो है, इसको जो आपको पढ़ना है वो है इनके एग्जाम्पल्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में किस टाइप के जो पेड़ होते हैं वो मिलते हैं, जैसे कंजू हो गया, सेमल हो गया, हल्तू हो गया, खैर हो गया, सीसू हो गया, ये मिलते हैं। फिर ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट में कैसे मिलते हैं आपको, यहाँ पर ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट में जो है सेमल, डाक, गूलर, जामुन, बेर मिलते हैं। फिर उसके बाद ट्रॉपिकल जो आपका ये है वेट ऑटनम फॉरेस्ट, यहाँ आपको कैसे पेड़ मिलेंगे ट्रॉपिकल वेट ऑटनम में, यहाँ पे सागून हो गया, शहतूत हो गया, पलाश हो गया, अंजन हो गया, बहेड़ा हो गया, बांस हो गया और साल हो गया। तो भाई ऐसे आपको याद रखना है। तो उम्मीद है आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में इसको क्या करें, शेयर करें, और आरओआरओ की तैयारी करते रहें। फॉर्म कब आता है इस बहस में मत पड़े, आएगा ज़रूर, और फिर वही होगा जैसे पिछले साल 2021 में आया हुआ था सब लोगों के साथ। अचानक से तीन चार फॉर्म आए, अचानक से आपको सिर्फ 3-4 महीने का टाइम मिला तैयारी करने का, उसमें कई लोगों की तैयारी ढंग से नहीं हो पाई। तो डोंट वेट कि फॉर्म आएगा तब तैयारी शुरू करोगे, सीरियसली अभी से तैयारी करो। फॉर्म आने के बाद मैं फिर से बार बार बोलता आ रहा हूँ, हर लेक्चर में बोलता रहूँगा, आपको फॉर्म नोटिफिकेशन आने के बाद ज़्यादा टाइम तैयारी करने के लिए नहीं मिलेगा। 2-3 महीनों के अंदर वो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम करवा देंगे।